अनसुईया के सतीत्व की गाथा बड़ी महान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी ये वेदों की है कहानी। माँ अनसुईया के सतीत्व की गाथा बड़ी महान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी ये वेदों की है कहानी। एक बार श्री नारद जी थे स्वर्ग में विचरण करते, तीनों देवियों को देखा था कुछ विचार फिर करते। सरस्वती लक्ष्मी और गौरा सतीत्व चर्चा करती, सबसे बड़ी सती होने का तीनों ही दम भरती। नारद उनकी बातें सुनते बहुत लगा कर ध्यान, नारद उनकी बातें सुनते बहुत लगा कर ध्यान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी ये वेदों की है कहानी। तीनों ने नारद से पूछा कौन बड़ी सती है, नारद ने तब उन्हें बताया अनसुईया ही बड़ी है। हाँ मृत्यु लोक में रहती है, मुनि अत्रि की पत्नी है, इनसे बड़ी सती ना कोई कहते ये तो यती है। बात सुनी नारद की तीनों हो गई थी हैरान, बात सुनी नारद की तीनों हो गई थी हैरान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी ये वेदों की है कहानी। नारद जी की बात सुनी तो मन में ईर्ष्या आई, ब्रह्मा विष्णु महेश के सन्मुख तीनों देवियां आई। आप तीनों को अनसुईया के आश्रम जाना होगा, उनको उनके सतीत्व से जल्दी ही डिगाना होगा। त्रिदेवों ने बात सुनी और हो गए थे परेशान, त्रिदेवों ने बात सुनी और हो गए थे परेशान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी ये वेदों की है कहानी।
देवियों के हटके आगे त्रिदेव टिक ना पाए। सतीत्व की परीक्षा लेने फिर वो आश्रम आए। मुनि अत्रि कहीं बाहर गए थे, अनुसुईया थी अकेली। यही उचित अवसर है जान के उनकी परीक्षा ले ली। यतियों का फिर रूप धरा और करने लगे आह्वान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी। यतियों के सत्कार के हेतु आश्रम में बुलवाया। श्रद्धा से आसन बिछवाया, प्रेम से उनको बिठाया। और अनुसुईया ने पूछा, यतियों आप क्या खाएंगे? जो भी रूखा सूखा घर में भोग लगा जाएंगे। बोले यति हम तब खाएंगे, बात हमारी मान। बोले यति हम तब खाएंगे, बात हमारी मान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी। निर्वस्त्र होकर भोज कराना होगा। ऐसा नहीं करोगी तो अपमान हमारा होगा। हाँ बात सुनी यतियों की मैया, परेशानी में आई। अपने पति परमेश्वर मुनि अत्रि का ध्यान लगाई। ये तो है त्रिदेव मैया, बात गई थी जान। ये तो है त्रिदेव मैया, बात गई थी जान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी। मन ही मन मुस्काई मैया, जल यतियों पर छिड़का। छोटा शिशु बनाया उनको, सत की दिखाई लीला। हाँ ममतामयी स्वरूप बनाकर स्तन का पान कराया। गोदी में बिठलाए तीनों, लोरी गा के सुलाया। इसी तरह यतियों की बात का माने रखा मान। इसी तरह यतियों की बात का माने रखा मान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी।
तारक बनकर भूल गए थे, वो तो है त्रिदेव, वो है ब्रह्मा, वो है विष्णु और वो है महादेव। बालक बनकर तीनों आश्रम में थे खेल दिखाते, दुग्ध पान करते मैया का चैन से फिर सो जाते। उधर स्वर्ग में तीनों देवियां होने लगी परेशान, उधर स्वर्ग में तीनों देवियां होने लगी परेशान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी, आश्रम में एक बैल तो दौड़ा दौड़ा आया, एक गरुड़ भी पंख हिलाता आश्रम पर मंडराया, एक हंस भी आया मुख में कमल का पुष्प दबाए। तीनों देवियों सहित वहां पे नारद मुनि थे आए, नारद जी ने अनसुईया के चरणों किया प्रणाम, नारद जी ने अनसुईया के चरणों किया प्रणाम। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी, नारद बोले अनुसुईया माँ अब तो दया दिखाओ, त्रिदेवों को मुक्त करो माँ अब कृपा बतलाओ। हाँ तीनों देवियां आपके दर पे क्षमा मांगने आई, अपने किए पर ये तीनों ही मैया है पछताई, दया कीजिए माँ अनसुईया आप हैं दया निधान, दया कीजिए माँ अनसुईया आप हैं दया निधान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी, सुईया मैया बोली फिर आओ देवियों आओ, बालक रूपी पति तुम्हारे उनको तुम ले जाओ, और बालक रूपी पतियों को फिर वो पहचान न पाई, सरस्वती विष्णु को उठाई गौरा ब्रह्मा लाई, शिव देखे गोदी में लक्ष्मी हो गई थी हैरान, शिव देखे गोदी में लक्ष्मी हो गई थी हैरान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण, कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी,
ने अनसुईया माँ से माफी मांगी। आप ही सबसे बड़ी सती हैं, बात यही फिर मानी। हाँ चरणों में फिर शीश नवाया, गुण मैया का गाया। चरण धूल से अपने माथे चंदन तिलक लगाया। अनुसुईया मैया सृष्टि में सती है सबसे महान। अनुसुईया मैया सृष्टि में सती है सबसे महान। इनके सत की कथा सुनाते भक्तों वेद पुराण। कथा है बहुत सुहानी, ये वेदों की है कहानी।